बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अपने चैनल शारदा फूड मसाला में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे मटन पाए, तो मटन पाए की आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, बहुत ही आसान और यम्मी सी बनती है। तो आइए हम आपके साथ रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बकरी के जो है वो पाए हैं, तो और तीन मीडियम साइज़ के मेरे पास ये प्याज हैं और सब्ज़ धनिया है और ये लहसुन है, अदरक है कुछ छोटा सा टुकड़ा और पांच छह हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जिसका हम कूट कर पेस्ट बनाएंगे। और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है और ये 1 टेबल स्पून जो हमारे पास ज़ीरा है कुटा हुआ और एक बड़े साइज़ का हमारे साथ पास ये टमाटर है कटा हुआ। तो आइए हम आप अपनी रेसिपी को जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लहसुन अदरक और जो मिर्चें हैं इसको कूट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट बनाएंगे। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं इन्हें कूट कर हमने, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लेना है। और ये हमारी मेरी जो भी रेसिपी होती है इसमें जो सबसे बेस्ट और मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट होता है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा टेस्ट आता है। तो हम इसे कूट कर जो है इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर आगे की जो रेसिपी है हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है इस तरह से हमने मोटा मोटा कच्चे कूट लिया है, ये तैयार हो चुका है। तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून जो है भरकर ये बने हैं, तो मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो अब हम आगे की जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो कुकर है वो गर्म हो चुका है। हम सबसे पहले इसमें जो है हाफ कप जो है वो मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी और जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हम इसमें जो है 3 मीडियम साइज के जो प्याज है ये मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर हम इसे गोल्डन सा ब्राउन करेंगे और फिर इसमें बाकी अपने मसाले जो है वो ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन से हो गए हैं, हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो ये पेस्ट बना के रखा हुआ था लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम 1-2 मिनट फ्राई करके तो फिर इसमें अपने जो हमारे पाए मटन पाए हैं ये हम ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने अब हमारे 1-2 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ये जो पाए हैं मटन पाए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम भुनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे और बाकी अपने मसालेदार ऐड करेंगे। बहुत ही आसान और ईजी सी रेसिपी है ये, आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। जी तो फ्रेंड्स, हमारे जो तो हमने इसकी कुछ देर हमने इसे बनाई कर ली है लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याजों के साथ। हमारे जो पाए थे इसे मटन पाए इसे हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो बड़े साइज़ का हमारे पास टमाटर था कटा हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम अपने बाकी मसाला जा जो हैं वो ऐड कर देंगे। हम सादा से सिंपल सी बहुत सिंपल सी रेसिपी बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रहे क्योंकि पाए जो हैं वो हल्की नमक मिर्च के साथ ही खाए जाते हैं और बहुत मज़ेदार इसकी यखनी जो है वही ज़्यादा पसंद की जाती है। अब हम इसमें जो हमारी हल्दी सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक जो है वो ऐड कर दूँगी मैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 5 से 10 मिनट जो है, मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और बाद में इसमें हम पानी ऐड करेंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जी फ्रेंड्स, हमने इसे 5 से 10 मिनट जो है इसकी बहुत सारे भुनाई कर ली है तमाम मसालेदार के साथ पाए पाओं की। तो अब हम इसे पाएँ में डालेंगे थोड़ा सा जो हमने ज़ीरा कूट के रखा हुआ था, इससे मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो अभी ऐड कर दूँगी और हाफ जो है जब हम हमारा तैयार हो जाएगा सालन तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे।
अभी मैं इसमें पानी जो है आपने इसे दिल खोल के इसमें ऐड करना है, क्योंकि जितना इसकी यखनी ही तो मज़ेदार होती है, क्योंकि पाव के साथ ऐसी कोई बोटियाँ वगैरह तो होती नहीं है, तो उसमें हमने यखनी इसकी जो है वो खूब ढेर सारी बनानी है। तो अभी मैं और पानी ऐड करूँगी जी। तो फ्रेंड्स इसमें तकरीबन मैं 3 से 4 केजी जो है वो पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा हमने इसे पकाना है। ये जितना ज़्यादा इसके गलेंगे तो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार इसकी यखनी जो है वो तैयार होगी। तो अब मैं इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया है 3 से 4 केजी। तो अब मैं इसे बंद करके प्रेशर पे रखूँगी, तकरीबन हम इसे 1 घंटा जो है वो पकाएंगे और उसके बाद हम इसे देखेंगे जी। तो फ्रेंड्स हमारे जो है मैं इंशाल्लाह हमारे जो पाए जो हैं वो मटन पाए जो हैं वो बन चुके होंगे, तैयार हो गए होंगे हमारे। तो हमारे जो कुकर है वो तकरीबन से 1 घंटा हो गया है चलते हुए, अब हम इसे बंद करने लगे हैं और चेक करने लगे हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है पायों की जी। तो फ्रेंड्स हमारे मज़ेदार सी पायों की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। पाए जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये इसकी जो बोटियाँ हैं वो हड्डियों से अलग हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने इसमें ज़ीरा रखा हुआ था थोड़ा सा बचा कर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ ज़ीरा, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो अब हम अपनी रेसिपी को जो है वो डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार से यम्मी सी रेसिपी मटन पाई की जो रेसिपी है वो तैयार है, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी सी हमारी पाई रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। आई होप आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। इसे आप चपाती और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब मुझे अपने चैनल शायदा स्पून मसाला से इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।